हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं उषा। दोस्तों, मैं आज अरबी के पत्ती का टिक्की बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, अरबी की पत्ती है। पहले इसको अच्छे से धो लेना है, धोकर के इसका जो देखिए आप लोग जो डंठल है उसको हम चाकू से निकाल लेंगे। फिर दोस्तों देखिए, इसमें डालने के लिए यह देखिए लहसुन की कली है, 5-6 हरी मिर्च है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और देखिए, हींग है फ्लेवर के लिए, साबुत जीरा है, हल्दी है और अमचूर पाउडर है। स्वाद अनुसार हम नमक ले लेंगे। और दोस्तों देखिए, हम एक पाव दाल चना का भिगोए थे, फूल गया था, इसको हम मिक्सर में इसका पेस्ट बना लिए हैं। आप लोग चाहिए तो आप लोग बेसन से बना सकते हैं। तो पहले हम इसका डंठल निकाल लेते हैं। अब आप लोग देखिए, सब इसमें सामान डालकर हम इसका घोल तैयार कर दिए हैं। दोस्तों, ज़्यादा इसका घोल पतला नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ताकि पत्ते में इसको लपेटना है। अब इसको हम पत्ते पर लपेटेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह थाली पर हम बड़ी थाली पर एक पत्ता रख लेंगे और पेस्ट को उसी पर हम रखेंगे। इसी तरह पूरे पत्ते लगाना है हल्का हल्का। इसी तरह हम पूरा पत्ता लगा लें, फिर इसके बाद हम दूसरी पत्ती रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, फिर उसी तरह लगाना है। इसी तरह हम 2-4 पत्ते रखकर बेसन रखकर लपेट लेते हैं। देखिए, अब आप लोग हमारी लास्ट पत्ती है। देखिए दोस्तों, इसको अब ऐसे मोड़ना है, फिर इस साइड से भी हम मोड़ लेंगे, ऐसे रोल टाइप बनाना है, ऐसे गोल सा ऐसे बना लेते हैं। देखिए, इसी तरह हम 2 रोल तैयार कर लिए हैं। अगर ऐसे नहीं संभलेगा तो इसको धागा से बांध देते हैं, बांध दिए हैं हम। अब चलते हैं, इसको हम बॉयल करने की तैयारी करते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप लोग देखिए, हम पहले से बड़ा भगोना लिए, पहले से गैस जलाकर इसमें आधा भगोना पानी रख दिए हैं। और इसमें बड़ा मुख भगोना है, इसमें हंकी बांध दिए हैं, कोई साफ कपड़ा सूचे उसे बांध दिए। अब इसी पर हमें रोल अरबी के पत्ते का रोल इस पर रख दिए हैं, इसको हम 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। किसी थाली से हम ढक कर देते हैं, इसको हम ऐसे ढक देते हैं। दोस्तों, जो नीचे से भाप आएगा उसी भाप से हमारा पत्ता बॉयल हो जाएगा। अब देखिए, हमारे 5 मिनट हो गया था, इसको हमने रोल को निकाल लिया और 2 मिनट तक इसे ठंडा होने दिया। जब ये ठंड हो गया तो इसको हमने रोल को छोटा छोटा टुकड़े में कट कर लिया। दोस्तों इसको हम तलने जा रहे हैं। देखिए, हम गैस चला लिए हैं, तेल भी कढ़ाई में डाल दिए हैं, थोड़ी देर में हमारा तेल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह हमको शक्कर लेना है, हल्की फ्लेम पर पिघलाने का, इसी तरह हम शक्कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी टिक्की तैयार हो गई है। आप इसको नारियल के साथ चटनी के साथ भी ले सकते हैं या बादाम की चटनी के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इसका सब्जी भी बनाकर हम दिखाते हैं आप लोग को। सामान सब रेडी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा तेल तैयार है, इसमें हम जीरा डाल देते हैं, इसके बाद तेज़पत्ता। देखिए, पहले से हम मसाला सब तैयार करते हैं, लहसुन और प्याज का पेस्ट है और गरम मसाला सब तैयार है। और हमें टमाटर कट करके रखे हैं, इसी का हम सब तैयार करेंगे, मसाला पकाएंगे। देखिए, हमारा तड़का हो चुका है, इसमें अब हम लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने टिक्की के बारे में आप लोग को पहले बता चुके हैं, आप नारियल या मूँगफली चटनी के साथ लीजिए, अच्छा लगता है, क्योंकि खट्टे चटनी के साथ उतना टेस्टी नहीं लगा, क्योंकि हम इसमें अमचूर पाउडर डाले हैं। और देखिए, सब्जी भी आपको दोनों बनाकर दिखा दे रहे हैं, सब्जी भी तैयार हमारा हो चुका है, चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए सब्जी,
दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, उसको कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।